Assalamu alaikum. Welcome to Roast and Toast Kitchen. आज बनने वाली है बकरीद स्पेशल मटन स्ट्यू. तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं. इंग्रेडिएंट में हमने ली है मटन, कटी हुई प्याज, प्याज की स्लाइस, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, सरसों का तेल, तेजपत्ता, लाल मिर्च, हरी मिर्च, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, नमक, गरम मसाला, गुलमिर्च पाउडर, जीरा पाउडर. तो चलिए अब दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं. एक कढ़ाई लेना है और उसमें तेल डालना है. चार बड़ी चम्मच तेल. तेल गरम होने के बाद उसमें प्याज को डालेंगे. और हरी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और उसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे. प्याज ब्राउन हो चुकी है तो इसे निकाल लेंगे और थोड़ी देर लो टेम्परेचर पे सेट होने देंगे. अब उसी कढ़ाई में खड़े मसाले और हरी मिर्च डाल देंगे और तेज पत्ता. अब उसमें मटन डाल दें. अब मटन को हाई फ्लेम से अच्छे से रोस्ट करें 2 से 3 मिनट के लिए. अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे. और थोड़ा सा रोस्ट करेंगे जिससे लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए. अब 1 मिनट बाद उसमें प्याज डाल दें चॉप की हुई. हमने एक प्याज लिया था जिसे हमने चॉप कर लिया है. अब इसमें 1 चम्मच गुलमिर्च और 1 चम्मच जीरा डालेंगे और नमक स्वाद अनुसार. इसे मिक्स कर लेंगे. और 5 मिनट के लिए कवर करके पकने देंगे लो फ्लेम पे.
प्याज रूम टेम्परेचर पे सेट हो गई है तो इसे मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे, प्याज और मिर्ची दोनों का। दो चम्मच उसमें पानी डाल दें। अब इसका पेस्ट बना लें। दही को मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट हो चुकी है। अब इसमें फेटी हुई दही डाल दें। अब उसमें बनाई हुई पेस्ट डाल दें। और एक कटोरी पानी डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब लो फ्लेम पे मटन को 10 से 15 मिनट तक पकने दें ताकि वो गल जाए। आप अपने अकॉर्डिंग ही मटन को कितने टाइम के लिए भी गला सकते हैं अगर आप किसी और बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 मिनट हो चुकी है और अभी पानी थोड़ा सा है तो इसे और थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं और गलने देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते रहते हैं ताकि ये जले ना। हो चुकी है और मटन 80% गल चुका है। अगर आपकी मटन 15 मिनट में ना गले तो आप कुकर में रख के सीटी लगा दीजिए। अब हम हाई फ्लेम पे मटन को रोस्ट करेंगे। इसी बीच उसमें गरम मसाला भी डाल दें। करने के बाद मटन अब तैयार हो चुका है और मसाले का तेल भी छूट गया है। मटन गल भी चुका है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब इसे हम निकाल लेंगे। मटन स्ट्यू बनकर तैयार हो चुकी है। बकरीद के मौके पे हमने मटन की रेसिपी लाई है और कुछ और भी लाते रहेंगे, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि हमारी रेसिपी बहुत ही लजीज है, टेस्टी है और झटपट बनके तैयार भी हो जाने वाली है। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।